हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूं तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूं डॉल केक वो भी पहली बार तो यहां पे मैंने दो स्पंज को बेक किया है एक स्मॉल साइज का स्पंज है और एक बड़ा साइज के स्पंज है एक है फोर इंचेस का जो ये छोटा वाला है और जो बड़ा वाला है वो है 6 इंचेस का क्योंकि इसका जो हमें डोम शेप का जो ड्रेस होता है डॉल का वो बनाना है और किस तरह से मैं बनाऊंगी यहाँ पे मैंने कोई टिन का इस्तेमाल नहीं किया है डोम शेप के टिन का टिन का इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पे हमने नॉर्मली इसको बेक करके बनाया है तो मैं यहाँ पे इसको दिखा रही थी कितना ज़्यादा ये मॉइज है और एकदम सॉफ्ट हमारा स्पंज बना है वैसे डॉल केक को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं वो भी विदाउट डॉल टिन आप बिना उस टिन के डॉल केक कैसे बना सकते हैं तो फर्स्ट ये भी है। आप उसको हाइटेड बनाओ आप उसका जो स्पंज है ना उसको हाइटेड बनाओ देन उसको ना कट कर दो साइड साइड से ताकि वो डोम शेप आ जाए साइड साइड से कट करने के बाद उसका आप क्राउन कोट करोगे ना वो एकदम फंटेस्टिक बन जाएगा और सेकेंड ये वाला है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूं ये जब पॉसिबल है जब आपका केक का वेट अप्रोक्सीमेट वन के जी तो होना चाहिए वन के जी होगा तो आप दो स्पंज बना सकते हैं छोटे साइज का एक बड़े साइज का दोनों को एक के ऊपर एक रखो जैसे टायर केक बनाते हैं ना सेम टू सेम वैसे रखो तो आपका और उसको थोड़ा बहुत हमें एडजस्ट करना पड़ेगा वो हम आइसिंग के दौरान कर लेंगे उसको एडजस्ट कर लेंगे और कौन सी लेयर ऊपर रखनी है नीचे रखनी है और ये जो आ, आपने छोटा वाला स्पंज देखा होगा उसका ना इस तरह से क्रैक्स आ जाते हैं और वो थोड़ा सा फूल जाता है तो उस तरह का हो गया था तो और ज्यादा ईजी हो गया था क्योंकि उसका ऊपर वाला लेयर था ना काफी ज्यादा वैसे ही शेप में आ गया था तो, तो मेरा जो बेस बोर्ड है ना वो टर्न टेबल से हिल जाता है मूव करती हूँ ना जब इसको टर्न करती हूँ तो इधर उधर मूव हो जाता है तो मैंने हैक देखा था ये इंस्टाग्राम पे देखा था शॉर्ट्स वगैरह में आ जाता है तो मैंने देखा था आप नीचे ना एक ऐसे टावल वगैरह रख लो और उसके ऊपर ये रख लो बेस बेसपोर्ड तो बिल्कुल भी मूव नहीं होता पहले मैं ना डबल साइडेड टेप लगाती थी तो उससे भी मूव नहीं होता था बट उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था इस तरह से आप एक टावल रख सकते हो कोई भी हैंकी वगैरह रख सकते हो तो ईजी रहता है तो मैं तो बिगिनर हूं मुझे ये सब पता चलते ना है मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी पता चल जाए आई होप आपको पता ही होगा पहले से तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टावल रख दिया वो हिलेगा नहीं अभी यहाँ पे बड़ा वाला जो स्पंज था उसको मैंने लेयर कट किया था फोर लेयर में कट किया था ओके तो सेम टू सेम मैंने वैसे ही इसको आइसिंग कर दी ये आता है स्मॉल वाला जो स्पंज है उसको मैंने कट किया और यहाँ पे मैं उसको लेयर कर रही हूं, उसी क्या होता है हाँ में ना बहुत टाइम लग जाता है केक को बेक होने में क्योंकि वो ज्यादा हाइटेड है और उसमें बहुत देर तक बेक होता है तो बहुत ज्यादा आपका टाइम जाएगा इससे बढ़िया आप ये काम करना दो साइज के टिन में बेक करो एक छोटे साइज में एक बड़े साइज में और दोनों को एक के ऊपर

वेट का है ताकि ठीक रहता है उनको बता दो कि हाँ दो ग्राम आपका वेट ना बढ़ गया है तो अगर हो सकता है पॉसिबल वो आपको पे भी कर सकते हैं कुछ लोग होते हैं कि हाँ, इतना इतना चाहिए बोला था तो 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 ही देंगे तो कोई बात नहीं नहीं क्योंकि एकदम एग्जैक्ट वेट का तो नहीं बन सकता ये पॉसिबल नहीं होता है आपका केक का वेट ना ऊपर हो ही जाता है लेकिन कस्टमर को ये वाली बात समझाना बड़ा मुश्किल है डोम शेप को आइसिंग करना बड़ा टफ होता है क्योंकि उसमें कर्व होता है और आपके पास जो स्क्रैपर्स वगैरह होते हैं ना तो उससे आइसिंग उस तरह की नहीं हो पाती तो मैंने स्टेशनरी पे गई थी और ये वाली शीट्स लेके आई थी इसे बोलते हैं ओ एच पी शीट और ये चार पांच रुपए की मिल जाती है तो मैंने दो शीट्स ले ली थी क्योंकि मुझे ना चॉकलेट गार्निशिंग बनानी है और मैंने वीडियोस देखी है ना कि किस तरह से गार्निशिंग बना सकते हैं तो ये शीट्स ना काम आती रहती तो है तो मैंने काफी बड़ी साइज की शीट कर, कर ली थी फिर मैंने उसको हाफ करा फिर मैंने छोटा उसको साइज करा शीट का देन इसकी अच्छे से इसकी क्रम कोटिंग करी क्योंकि क्रम कोट हो ही नहीं पा रहा था शीट इतनी बड़ी साइज की हो गई थी बार बार वो फोल्ड होती जा रही थी क्योंकि अगर शीट बड़ी होगी ना तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो अगर आप कंफर्टेबली उसको पकड़ ही नहीं पाओगे शीट्स को तो उससे हो ही नहीं पाएगी आपकी क्रम कोटिंग तो मैंने इसको छोटा करा और यहां पे स्पंज में ज़्यादा गैप था क्योंकि मैं पे क्रम कोटिंग कर रही डिज़ाइन बनाएंगे ना तो ये सब स्पंज जो दिख रहा है वो सारा छुप जाएगा तो यहाँ पे जहां जहां गैप हो रहा था क्योंकि हमें एकदम इक्वल होना चाहिए वो जब भी उसमें ना फिनिशिंग दिखेगी तो मैंने यहाँ पे क्रम कोटिंग कर दी देन इसको फ्रिज में रखा आधे घंटे के लिए आप चाहे तो इसे ओवर रख

रैंडम था अचानक से आया जैसे कि एक दिन पहले कॉल आती है कि हमें एक केजी का डॉल केक चाहिए और आप जल्दी से बना दो बटर स्कॉच फ्लेवर में बनाना और इसको इस तरह से बना देना नॉर्मल सा हो कैसे भी चलेगा डॉल केक होना चाहिए अच्छा सा होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए खाने में टेस्टी होना चाहिए तो आप जल्दी से बना दोगे तो मैंने उनका ऑर्डर तो एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन को मैं डॉल्स कुछ दिन पहले ही लेके आई थी जैसे मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी बहुत सारे केक टॉपर्स वगैरह लेके आई थी बट मैंने

पास दुकान नहीं होती इस तरह की जो दुकान होती हैं वो दूर होती हैं बहुत रेयरली होती हैं एक एरिया में तो मुझे ना काफ़ी दूर जाना पड़ता है इसलिए मैं लेके आ गई थी कुछ दिनों पहले और यहाँ पे वो परफेक्टली यहाँ पे हमारा यूज़ भी हो गया केक में तो ये तो मैं फर्स्ट टाइम केक बना रही थी जैसे मैंने आपको बताया डॉल वाला केक फर्स्ट टाइम बना रही थी और मेरे पास ना कुछ ज़्यादा आइडियाज नहीं थे तो मैंने ये वाला देखा था यूट्यूब uh, पे भी यूट्यूब पे देखा था गूगल पे भी देखा था इस तरह से आप फ्लावर्स बना दो पूरे फ्रॉक पे कवर कर दो और बनाते बनाते ना क्रीम इतनी परेशान कर रही थी मैंने एक तो क्रीम खत्म हो गई ऊपर से कलर बनाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ऊपर से मेल्ट भी हो रही थी क्रीम एक टाइम पर आप नीचे वाले देख सकते हैं ना हल्की हल्की मेल्ट हो रही ऊपर तो एकदम परफेक्टली हो गई थी बट नीचे ना मेल्ट हो रही थी बट जैसे तैसे तो मैंने और क्रीम को मैंने दोबारा से विप किया क्योंकि अगर क्रीम ख़त्म हो जाती है ना तो बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि हम बाद में ना थोड़ी सी क्रीम विप करते हैं और थोड़ी क्रीम ना हो नहीं पाती इतनी जल्दी और वो परफेक्टली भी नहीं होती ज्यादा क्रीम ना जल्दी विप होती है और अच्छी विप होती है लेकिन थोड़ी क्रीम ना टाइम बहुत ज्यादा लगता है थोड़ी क्रीम को विप करने में और अच्छे से होती भी नहीं है तो यहां पे तो मैं अंडर टाइम चल रही थी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मैंने बैग इस तरह का बना दिया क्योंकि बाल इस डॉल के ना लंबे और ये डॉल ना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है दो तीन तरह की डॉल्स आती हैं वहां पर ना सस्ती वाली डॉल भी थी तीस रुपए की चालीस रुपए की वो सस्ती वाली थी ये साठ सत्तर वाली महंगी वाली डॉल है जो मैंने इसमें इस्तेमाल की इसके बाद बाल भी लंबे हैं और इसमें पोनी बनी है क्राउन भी पहनी है ना डॉल तो ये वाली ना एक्सपेंसिव इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है वो वाली ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी ऐसे करके अगर हमें हाथ को थोड़ा सा दबाती ना वो पिचक जाती तो मैंने मैंने वाली डॉल्स नहीं ली मैंने सोचा कि डॉल जातीक अगर कोई बनवाता है ना तो वो अच्छा ही दिखनी चाहिए उस पर डॉल क्योंकि डॉल ही इज अ मेन एलिमेंट इन डॉल केक तो डॉल अच्छी नहीं होगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना तो मैंने अच्छी वाली डॉल्स ली हैं और मैं आपको बता दूं कि डॉल केक के प्राइसेस नॉर्मल केक के प्राइसेस से हाई क्यों होते हैं ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल केक वन के जी का है और डॉल केक भी वन के जी का है तो दोनों की सेम होंगी। ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको फ्लावर्स बनाने होते हैं और एक ही डायरेक्शन में बनाने होते हैं ना तो हाथ की ना बैंड बच जाती है तो इस तरह से ना इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ जाती है और इसमें डॉल्स वगैरह लगती है जितना टाइम एक डॉल केक बनने में लगता है इतने टाइम में हमारे तीन हाथ के जी के केक बन जाएंगे नॉर्मल वाले तो इसलिए तो ऊपर नीचे तो होगा ऑफ ऑफकॉर्स बातें प्राइजेस ऊपर नीचे हो जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू तो माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग वीडियो के साथ जब तक लिए आप अपना ख्याल रखें बाय टेक केयर